तो गाइस हो गया हम लोग का खा के, बहुत अच्छे से खाया है और बिल हम लोग का 1000-1100 बिल हुआ है। तो चलो अभी यहाँ से 44 किलोमीटर है, फटफट कवर करते हैं। मेरे साथ पीछे बैठा है साइरस, हम लोग दोनों है और वो अकेला है, वो लोग अकेले, बाकी फिलियन के साथ। और रोड अभी एकदम सीधा सीधा है, बस आगे जाके एक राइट है भंडारदारा के लिए, बस वही मेरे को लग रहा है वो घोटी रोड है, घोटी रोड के बीच में ही लगता है भंडारदारा। तो राइट लिया गया है जो भी काफी अच्छा है, शिरडी के लिए जाने के लिए यही रोड है। और वेदर काफी अच्छा है दोस्तों, मतलब ये मौसम बिल्कुल सही है अगर आप कहाँ पे शॉर्ट राइड का प्लान कर रहे हो मुंबई के आसपास 200-300 किलोमीटर के बीच, तो दिस इज द बेस्ट मौसम दिसंबर जनवरी फरवरी तक आई फील। और सामने खड़े हैं बड़े बड़े पहाड़ और नज़ारे, बस अभी नज़ारे नज़ारे है इस रोड पे, और बस नज़ारे इंजॉय करेंगे और आपको एंटरटेन करते हुए चलेंगे हम। अब आप बस आप नज़ारे इंजॉय करो और इस वीडियो को भी इंजॉय करो और हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। ऑफ रोडिंग का पैच, वीकेंड राइड के लिए जब भी मौका मिले बस चल पड़ो। और यहाँ से शायद हमें लेना है राइट और कठिनाइयों को पार करते हुए हम निकलेंगे। ऑफ रोडिंग में तो अपनी मायरा एकदम कमाल ही कर देती है, और वैसे बोला हुआ तो बहुत लंबे समय के बाद मायरा का सफर हो रहा है, बेचैनी से इंतजार था एक राइड का और वो फाइनली हो रही है, तो काफी मजे आ रहे हैं। ऑफ रोडिंग में क्या स्मूथ निकलती है, वैसे अभी पिलियन के साथ हो इसके लिए, बट अगर सोलो में रहते तो बहुत ईजीली चली जाती है साइडिंग करते करते। और रास्ता काफी कठिन और भरा है, बहुत ही ऑफ रोडिंग पैच है, रोडिंग का पैच काफी लंबा था अभी, और 10 किलोमीटर हमें ऐसे ही जाना है। नज़ारे तो खूबसूरत है पर रास्ते थोड़े मुश्किलात भरे हैं, बस थोड़े रास्ते अच्छे हो जाए तो काफी मजा आएगा नज़ारे एंजॉय करने में। और यहाँ पे काका थोड़े टाइट गाड़ी गिरा दी है काका ने, और दारू पीने की वजह से भाई उठाओ थोड़ा। मैं चलो आज हम करेंगे एक बेड़े की मदद। वाह क्या नजारा है दोस्तों, ग्रेट वर्क। और फाइनली हमने राइट ले लिया भंडारधारा के लिए, यहाँ से भंडारधारा का रोड शुरू है, स्टार्ट है, चालू है, और नैरो हो गया रोड कंपेरेटिवली पीछे वाले रोड से। और फिर से रास्ता वही गड़बड़ी भरा, और बहुत सारे राइडर्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे बाइकर्स है। ओहो जंगल से भरा रास्ता एकदम कच्चा, एंट्री फीस है क्या यहाँ पे कुछ? और हमारे लेफ्ट साइड में ही है लेक डैम, भंडारधारा डैम, और यही होटल रिसॉर्ट्स भी है। हमारा एक बंदा गया है गेट पास दिखाने क्योंकि अंदर कैंपिंग है शायद से, तो देखते हैं अभी कितना है फीस, एंट्री फीस। बहुत सारे कैंप साइट्स है यहाँ पे, जैसे पावना डैम की यहाँ पे है उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे कैंपिंग साइट्स है। और बहुत ही गंदा रास्ता है यार, ऐसा लग रहा है पावना लेक गए थे तो अच्छा होता, किसी दिन पावना लेक का कैंपिंग करेंगे, ये तो बहुत तकलीफात भरा रास्ता लेके आ गया हमें। और यहाँ पे तो गांव की बस्ती है और बहुत ही ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं हमें ये कैंप साइट, लेट्स सी कैसी है, वाइब तो आ रही है धीरे धीरे, आई होप अच्छा ही हो। बट बाकी बहुत ही अंदर है कैंप साइट, काफी अंदर। ओ फुल ऑफ रोडिंग, फुल मतलब लुक एट द व्यू गाइस। और
और यहाँ से ही शायद हमारा नीचे कैंप साइड है, दो तीन कैंप साइड दिख रहे हैं बट एग्जैक्टली कौन सा है पता नहीं, नीचे जाके ही पता चलेगा। बट नज़ारा तूफान भरा है और वो काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग और नज़ारे दिल छूने वाले हैं। ऐसा लग रहा है फिर यहाँ पे आके इतनी मशक्कत के बाद कोई बोला ही नहीं कुछ। ओह, शुरू हो गया ऑफ रोडिंग, लास्ट पैच है, इसके बाद नीचे ही जाएंगे और फुल स्टीफ ढलान, मजा आएगा, मजा आएगा ना भिड़ू। अगला कौन कर रहा है, एकदम स्टीफ ढलान है, सावधानी से उतरना पड़ेगा, उतरते ही जार। वो कैंपिंग होगी आज की रात कैंप साइट में। चलो गाइस बैग वैग निकालते हैं, सब सामान समेट के वहाँ पे रखते हैं, देखते हैं आज की रात कैसे गुजरेगी। ज़्यादा एक्साइटमेंट में आया था कि कुछ अलग रहेगा कुछ एकदम, बट है अच्छा ही है, नॉर्मल है बट ठीक है, पावना लेग जैसा ही है जैसे मैंने ऑलरेडी किया है बट वीडियो नहीं बनाया तो उसका भी अभी वीडियो बनाएंगे, अपने दोस्त का ही है एक कैंप साइड, तो अभी यहाँ पे आज की रात गुजारेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा सारी अपडेट आपको मिलती ही रहेगी। अभी टेंट पकड़ते हैं, समेटते हैं और सामान रख देते हैं और सामान को अंदर रख देंगे। इस तरह का अंदर से टेंट है, दो लोग आराम से समेट के सो सकते तो कुछ इस तरह का है कैंप साइट दोस्तों, और सब लोग अपना अपना सामान समेट रहे हैं और आज रात को क्या होगा कैसे होगा अपने को भी कुछ आइडिया नहीं है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। पांच टेंट है हम लोग के, टोटल नौ लोग के, तो एक टेंट में दो लोग सोएंगे और ऑलरेडी दूसरा ग्रुप भी है उनका भी वो साइड पर टेंट है, और माहौल तो बन ही जाएगा, बना ही लेंगे माहौल, पर अभी फिलहाल तब थक गए तो थोड़ा आराम करेंगे। और गाइस कैसा जोश, कैसा तुम लोग का, थक गए? फुल पावर, फुल पावर, ऐसा चीज चल रहा है, पूरा एनर्जी की बैंड बजी तो मैं रेडबुल पी रहा हूँ। ओह एनर्जी ले रहे क्योंकि रात में और एनर्जी चाहिए। नॉट स्पॉन्सर्ड, नहीं नहीं उसको स्पॉन्सर्ड है। हम लोग सब लोग क्योंकि ऑफ रोडिंग ज्यादा थी ना तो जहाँ पे बैठते हैं ना तकलीफ में आ गई है। हो कैंप साइड है जो जस्ट लेक के बाजू में ही है, फुल एकदम मतलब मजे करने के माहौल में सब लोग है, रेडी है, सब लोग चेंज कर दिया, सब लोग ने रिलैक्स भी कर दिया। अभी रात का कार्यक्रम भी हमारा बॉनफायर का है, उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम है, टाइम पास करेंगे, मजे करेंगे, धमाल करेंगे, तो आप बने रहो एंड तक। चल एक एक ट्राई करते बैडमिंटन खेलते थोड़ा। लौंडे जा रहे पानी में, शाम तो बहुत जल्दी हो गई यहाँ पे, अभी 4:30 बजे फिर भी अंधेरा हो गया। म्यूजिक के साथ मजा आ गई।
काफी मजे कर लिए हम लोगों ने पानी में। ठंड तो मतलब इतनी प्यारी है। हम लोग का 1000 रुपीज चार्ज है यहाँ पे कैंप साइट का, और बाकी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब पकड़ के 2-2500 में हो जाएगा। खाना पीना भी यहाँ पे मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कैरी करो। अभी इवनिंग स्नैक्स मिला अपने को, रात का डिनर भी मिलेगा और सुबह का टी भी मिलेगा। तो बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप आपके हिसाब से ला सकते हो। अलग है, पीस आउट है यहाँ पे, ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। पावना थोड़ा कमर्शियल है, ये एकदम जोन आउट है, मतलब यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं है और नेटवर्क भी बहुत कम है। यहाँ पे एयरटेल का थोड़ा बहुत नेटवर्क है और वोडाफोन का है, बाकी किसी का नेटवर्क नहीं है, जियो का वगैरह। बट एक अच्छा मौसम है और माहौल बहुत सही है यहाँ का, मतलब एक नेचुरल फीलिंग है आपको आएगी। कैंप साइड है तर इकड़े, टोटल किती टेंट साइड है? 150 कैंप आहे। बापरे, फॉल इकडे बाहुबली। हाँ, बाहुबली। अजून काय फिरणार? नानी वॉटरफॉल, नानी वॉटरफॉल, सांदनदरी, सांदनदरी, कोकण कडा। खूप छोटू, तुम लोग को बाय बाय करते हैं। बाय। अभी बस नाइट के मजे ले जा रहे, बॉन फायर के साइड में बैठे हम लोग और मस्त चिल म्यूजिक चल रही है, अच्छे गाने बज रहे हैं और हम लोग मस्त चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी बारिश आ गई थी बीच में, तकलीफ हो गई थी, बट वो भी धीरे धीरे आ रही है, जा रही है। और हम लोग मस्त यहाँ पे महफिल सजा के बैठे है।